टाउन में रेंजर्स ने कार्रवाई के दौरान भारी तादाद में असलहा और गोलियां बरामद कर ली हैं। तर्जुमान रेंजर्स का कहना है कि बरामद होने वाले असलहे में SMG समेत दीगर हथियार और गोलियां शामिल हैं, जो दौरान इलेक्शन इस्तेमाल होना थी। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे कामिल आरिफ से। कामिल आरिफ, किस इलाके में कार्रवाई की गई है? रंगी टाउन के इलाके में ये कार्रवाई की गई है और रेंजर्स को इत्तला दी कि कुछ मुकाम के ऊपर जो है असला डंप किया गया है। वो असला जो है रेंजर्स ने बरामद किया है, जिसमें 6 SMG हैं और भारी तादाद के अंदर ये गोलियां हैं। रेंजर्स तर्जुमान के मुताबिक ये तमाम असला बल्दियाती इंतखाबात जो कराची में होने जा रहे हैं उसमें अमनोमान खराब करने के लिए इस्तेमाल किया जाना था, और ये असला लाके इसलिए औरंगी टाउन के इलाके में छुपाया गया था कि ये असला बल्दियाती इंतखाबात के दौरान जो है अमनोमान खराब करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाए। लेकिन इससे पहले ये इत्तला मिली कि रेंजर्स को कि ये असला एक जगह पे छुपाया गया है, वहां से ये असला बरामद कर लिया गया है। ठीक है, अच्छा कामिल, आज के वाकये की तहकीकात कहां तक पहुंची है? अजी देखिए, तहकीकात में पेशरफ जारी है। रेंजर्स और पुलिस की मुख्तलिफ टीमें तहकीकात कर रही हैं। पुलिस को इससे पहले कुछ देर पहले इत्तला मिली थी, एक जख्मी मुलजिम जो मौके से फरार हुआ था वो इलाके में मौजूद है। उसके ऊपर जो है तिहाड़ टाउन के मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन जारी है, जबकि इस वाके में 3 मुख्तलिफ जो है पिस्तौलें इस्तेमाल की गई, उनकी फॉरेंसिक के लिए भी उनको लेबोरेटरी में भेज दिया गया है। उसकी रिपोर्ट भी जल्द अज जल्द आ जाएगी और मुख्तलिफ तहकीकती टीमें काम कर रही है। कोई गिरफ्तारी अमल में आई है? नहीं जी, अभी तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी, लेकिन उस ग्रुप की निशानदेही के लिए और उस ग्रुप की मालूमात हासिल करने के लिए मुख्तलिफ तरीके से तफ्तीश जारी है, और जो इलाके में पुलिस के पास और रेंजर्स के पास इत्तला मिल रही है उसके ऊपर भी ऑपरेशन पुलिस और रेंजर्स मिलकर कर रही है। तफ्तीश अभी की जा रही है। कामिल आरिफ, अपडेट्स के लिए बहुत शुक्रिया।